आपका बहुत दोस्त स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। एक शायर ने लिखा है कि जब कर लिया है फैसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हमारे साथ आज खास मेहमान एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी सोच, सक्रियता और संघर्षों के दम पर, अपने विजन के दम पर रियल एस्टेट सेक्टर में ऊंची उड़ान भरने का हौसला रखा है। आज हमारे खास मेहमान हैं फेस टू फेस में एडवोकेट पंडित राठौर साहब। आप महालैंड प्रॉपर्टी के CMD हैं और लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, आप इसके इम्पैक्ट को किस तरह से देखते हैं, खासकर रियल एस्टेट पर? सबसे पहले TV1 India के सारे प्रेक्षक वर्गों का मैं वेलकम करूँगा। फिलहाल की कंडीशन में हम कोरोना के इस वायरस से हर कोई जूझ रहा है, तो मैं माता दुर्गा माता के सामने यही प्रार्थना करूंगा, इस कोरोना वायरस से हम सबको मुक्ति दे दे और हमें अपने नए जीवन की ओर लेके चले। आज TV1 India ने मुझे इनके प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आप लोगों के सामने मेरी कुछ बातें रखने के लिए मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, इसलिए मैं सबसे पहले TV1 India का शुक्रगुजार हूँ। पूरी दुनिया पे इस कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से अपनी जॉब गवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस शटडाउन कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है पिछले 6 महीने की, ये हर एक के ज़िंदगी से जुड़ी हुई, हर एक के ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली बात है। इससे बहुत बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे लोगों की जो इनकम है, इनकम सोर्सेज बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मुंबई में आज लेबर नहीं है, जैसे ही कोरोना वायरस का ये महाभयंकर समय शुरू हुआ वैसे ही यहाँ से जितने भी लेबर थे, कोई UP चला गया, कोई MP चला गया, कोई कर्नाटक चला गया, कोई तेलंगाना चला गया, अपने अपने गांव में चले गए। इसलिए यहाँ पे बॉम्बे में जिस तरह से लेबर के ऊपर डिपेंड पूरी इंडस्ट्री है और पूरी तरह से लोग जाने के कारण बहुत बड़ा व्यवसाय के ऊपर, बहुत बड़े बिजनेस के ऊपर भी इसका असर हुआ है। और जितने भी लोग बॉम्बे छोड़ के अपने गाँव गए हैं, तो वहाँ पे उनके रोजगार के बाकी कोई साधन न उपलब्ध होने के कारण उनके भी जिंदगी के बहुत बड़ा फर्क हुआ है। और रियल इस्टेट इंडस्ट्री तो इन लेबरों के आधार पे ही सबसे चलती आई है। और जैसे हम रियल इस्टेट में काम करने वाले बिल्डर्स हैं, रियल इस्टेट में काम करने वाले लैंड डेवलपर्स हैं, वैसे ही लेबर ये रियल इस्टेट का एक हिस्सा है। और यही कम होने के कारण रियल इस्टेट की, इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी समस्या है, ये इन 6 महीने के समय में पैदा हुई है। और यही सिचुएशन अगर ऐसे ही आने वाले समय में रहेगी तो ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं रहेगा। एक बात जो खुलकर सामने आई है ये कि अगर आप गौर करेंगे तो इकोनॉमी में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये बहुत ही बड़ा मुकाम रखता है, क्योंकि मैक्सिमम लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है ये देने वाला सेक्टर है। अगर इकोनॉमिक लॉस के हिसाब से, ड्रॉबैक के हिसाब से पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पर? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री पूरे भारत देश की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ही भारत का जो आर्थिक स्तर है उसको डेवलप करने वाली इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट अपने इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री इकोनॉमी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री टैक्सेशन की यही मानी जाती है। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर ये कोरोना वायरस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, इस कोरोना वायरस ने इस इंडस्ट्री पे इतना प्रभाव डाला है कि इसके कारण अपने देश के आर्थिक स्तर के ऊपर इस इंडस्ट्री के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देखेंगे तो अभी हाल ही में एक दिन पहले अनलॉक 4 की घोषणा हो गई है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगेंगी, लॉकडाउन को शिथिल किया जा रहा है बड़े पैमाने में, बहुत सारी परमिशन भी दे दी गई है कि स्मूथली जो कारोबार चले। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या आप मानते हैं कि इसमें नए तरह की पहल करने की जरूरत है, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस का जो डेंजर सिचुएशन है वो आज भी है। कोरोना वायरस कारण आज भी लोग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, आज भी उतने ही संख्या में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, उतने ही परसेंटेज में बढ़ रही है। तो ये कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है, और इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, वैसे तो पूरे देश के ही, पूरे दुनिया में ही वैसे लोग हैं, लेकिन मैं अपने देश की अगर बात करूँ, अपने
महाराष्ट्र की बात करूँ, अपने मुंबई की बात करूँ, तो इसमें रोजी कमाई के ऊपर चलने वाली बहुत बड़ी भीड़ है जो पिछले 6 महीने से घर पे बैठी है, उनके हाथ में कोई काम है नहीं। तो अगर मेरे हाथ में कुछ काम है ही नहीं तो फिर मैं मेरा पेट कैसे चलाऊंगा, मेरे खर्चे कैसे चलाऊंगा। तो ये सिचुएशन को देखते हुए लोगों को कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डर है कि मैं कहीं भूख से ना मर जाऊँ। ये सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने अभी जिस तरह से लॉकडाउन अनलॉक 4 जारी किया है, तो यही उसके पीछे का रीज़न है कि कम से कम लोगों को उनके जो भी रोजी रोटी के सवाल है, उनके जो भी इनकम सोर्सेज के सवाल है, उनके जॉब के सवाल है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट होना चाहिए। और साथ साथ में जो ये कोरोना वायरस की ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी करते हुए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब्जेक्ट पहले से ही है, मास्क पहनने का सब्जेक्ट पहले से ही है, थोड़ा सा जो ग्रुप नाच करते हुए जरूरतों के हिसाब से जितने लोग एक जगह पे आना चाहिए वो चीज़ें हैं, ये सारी गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने जो भी ये पहल की है, ये पहल लोगों के जो आज के क्वेश्चंस पैदा हुए हैं उनके खाने पीने के, उनके रोजी रोटी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 6 महीने का जो दौर है ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर तक लोगों को बांध के भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि सिचुएशन उससे भी बेकार। यस 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 सर, आपको पोस्ट चैलेंज जो अभी जैसे अब लॉकडाउन मान लीजिए कि खत्म होने की कगार पर है, भले संक्रमण रुके ना रुके, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब लॉकडाउन को किसी भी हाल में, आपने एक बार बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को लंबे समय तक बांध के आप नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है एक ना एक दिन लॉकडाउन को खत्म करना पड़ेगा, ऐसे में आपको पोस्ट चैलेंज क्या दिख रहे हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी सामने, जिसको टैकल करने के लिए या कारोबार या कामकाज को नई ड्राइव देने के लिए जरूरत होगी? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये कोरोना वायरस के इन 4-6 महीनों में हमें एक बात समझ में आ गई कि हम भले कितना भी काम कर ले तब भी हमें अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम खुद को 3-4 महीने भी संभाल नहीं सकते। तो ये सिचुएशन है, पिछले 4-5 महीने के सब्जेक्ट में जो कोरोना ने दिखाया सिखाया वो यही है। तो आने वाला समय तो इससे भी बड़ा चैलेंज का रहेगा कि हम अपने आप को कैसे इसमें ढाल लेते हैं, अपने आप को इसमें कैसे सेटल करते हैं, अपने आप में कैसे हम ज़रूरतों की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, और हमें जो करना चाहिए एक सीरियस नोट पर जो काम करना चाहिए वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आने वाला समय तो अगर ये कोरोना वायरस अगर कंट्रोल में नहीं आता है, अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन कोविड से दूर रहने की गाइडलाइन अगर हम नहीं संभालते हैं, नहीं हम उसका पालन करते हैं, तो आने वाला समय तो इससे भी डेंजर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सर। जैसा कि फाइनेंशियल बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह के हालात होते हैं कि जब सब कुछ ठप हो जाए तब वो बेहद मंदी का दौर होता है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इतनी हालत खराब है कि लोगों के पास काम काज नहीं, तो जाहिर सी बात है मंदी है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि मंदी के दौर में उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है जो किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं, आप इस नजरिए को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी सिचुएशन आई जहाँ पे कुछ भी हर्डल्स आते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। कोई इंडस्ट्री डाउन होती है तो कोई इंडस्ट्री 100% ऊपर उभरती है। जैसे कि मैं आज 35 रनिंग एज में हूँ, कोरोना वायरस के इन दिनों ने मुझे सिखा दिया कि 35 आपके लिए ये रिटायरमेंट एज है और आपको अभी से आपके फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि पहले 55-60 के बाद लोग सोचते थे कि यार चलो मैं पूरी ज़िंदगी कमाऊंगा, सेविंग करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा और मेरी फैमिली को एक छत देके मैं सेव कर दूंगा। लेकिन कोविड के ये 4-6 महीने ने हमें ये बता दिया कि आज के डेट में भले ही वो 20 ईयर का हो, 35 ईयर का हो, 50 ईयर का हो, 60 ईयर का हो या उससे प्लस हो, तो हर कोई अपने को खुद को रिटायर्ड समझने लगा है और हर कोई यही चाहता है कि कम से कम मैं मेरी फैमिली को सिक्योर कर दूं, कल जाके कोविड के कारण मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने है और लोग इस तरह से इस इंडस्ट्री की ओर बढ़ चुके हैं, खुद के फैमिली को सेफ रखने के लिए उनके उनके कमाई के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से घर देख रहे हैं, घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए खुल जाती है कि
इस तरह से लोग अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और घर खरीद रहे हैं, जो जो कि ये सिचुएशन से लोगों को बाहर निकाल रहा है, लोगों की सेफ्टी देख रहे हैं। जैसे कि हर एक की जिंदगी से हम एक बात हमेशा कहते हैं कि खाना, कपड़ा और मकान ये तीनों चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो वैसे ही ये मकान जो सब्जेक्ट है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही है, और ये सब्जेक्ट और ये नीड और ये कोरोना ने जो चीजें दिखाई है इसके ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। एक बात हमेशा हिंदुस्तान में देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है दूसरे देशों के बनिस्पत। लोग परंपरागत तौर पर निवेश करते हैं, कुछ लोग सोना चांदी में, किसी को सलाह दी जाती है कि आप गोल्ड या अर्नामेंट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है फायदे का सौदा होता है। आप ये लैंड बैंकर हैं बहुत बड़े, आप क्या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट को बेहतर मानते जी, और कितना बेहतर मानते हैं इसको? जी 100%। देखो रियल इस्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हो, या आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट शब्द जहाँ आता है वहाँ रिटर्न्स कितने हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि किसी बिल्डिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वैसे तो मैं बिल्डर अभी से ही हूँ लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा प्रेक्षकों को कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो उस बिल्डिंग की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन कितना बढ़ेगी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद वो वैसे भी बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, जैसे पुरानी हुई वैसे उसकी रेट एक लेवल पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर रियल इस्टेट में लैंड का अगर हम सब्जेक्ट लेके चले तो लैंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप आपके बजट के हिसाब से अगर आज ले लोगे तो आने वाले समय में जिस तरह से उस लैंड के आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे उस एरिया की डिमांड बढ़ेगी, जैसे उस एरिया में लोगों का आना जाना, इंडस्ट्री का आना जाना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपकी वो लैंड की वैल्यू उतनी ही गुना बढ़ती जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर के लिए लैंड सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप पिछले 10 साल का नाइट फैंक का अगर रिपोर्ट देखोगे जो आरबीआई के लिए रिपोर्ट निकालते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहता है कि अदर इन्वेस्टमेंट से लैंड इन्वेस्टमेंट ये 134% से भी ऊपर उसका आरओआई बेनिफिट है। और मुझे लगता है कि लैंड सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपकी कंपनी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लैंड बैंकर है महालैंड प्रॉपर्टी। आपकी कंपनी के तरफ से लोगों को सही समय पर सही निवेश कराने के लिए किस तरह की मदद दी जाती है, क्या कैसे आप उन्हें बताते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है या क्या सहूलियत है, कहां पर वो निवेश करें, इस तरह की क्या योजनाएं आपके पास रहती हैं? देखिए मैं पिछले 15 साल से महालैंड में काम करते आया हूँ, 15 साल से मैं लैंड इस सब्जेक्ट में काम करते आया हूँ। मेरे साथ हज़ारों लोगों की टीम है जो अलग अलग डिवीज़न में काम करती है, कोई लीगल में काम कर रहा है, कोई सर्वे में काम कर रहा है, कोई लेआउट में काम कर रहा है, कोई बैक ऑफिस पे कर रहा है, कोई फ्रंट में कर रहा है, तो कोई सेल में काम कर रहा है, तो कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों और यह 15 साल का जो मेरा ट्रैवल है इसमें मुझे एक चीज़ 100% समझ में आई है, कोविड से पहले और कोविड के बाद सिचुएशन बहुत अलग है। कोविड से पहले लोग अपना एक घर से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा घर, तीसरे से चौथा घर की प्लानिंग में थे, लेकिन कोविड के बाद लोगों का, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि कोविड के बाद 35-40 एज में भी लोग रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा, ये क्वेश्चन सारे के लोगों के दिमाग में। तो भले ही अच्छा कपड़ा, अच्छे शूज, अच्छी गाड़ी ये सेकंड प्रायोरिटी है, तो भी घर ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कोविड के बाद मुझे ये इन जैसे लॉकडाउन ऑन हुआ है, जैसे हम पिछले 15-20 दिन से सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए हमने अभी ऑफिस वगैरह अपने चालू की है, तो वैसे ही जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं तो लोग हमसे यही कह रहे हैं कि मेरा बजट इतना है, मैं मेरी फैमिली में हम इतने लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली को मैं सिक्योर लाइफ दूँ, मेरे फैमिली को मैं घर दूँ, मेरी फैमिली को मैं सिटी में रहने का फील दूँ, आगे का देखते हैं क्या होगा, लेकिन करंट सिचुएशन में मैं ऐसा करूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से बढ़ी है, अलग तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोविड के बाद का रियल इस्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से है, और मैं महालैंड की ओर से हमने ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने भी वैसे ही स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि बिजनेस तो हर कोई अपने एंगल से करता है, लेकिन कोविड के डेज में थे हर कोई गुजरा है,
मैं खुद कोविड के डेज में 2-3 महीने तक सोशल वर्क करते आया हूँ। बहुत जगह पे हमने अनाज के कीट बांटे, बहुत जगह पे हमने सैनिटाइज का काम किया है, बहुत सारे लेबर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा है। तो हम ये जानते हैं कि लोगों के ऊपर कंडीशंस कैसी आई। तो आज का जो समय है, आज का समय मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत कम से कम पूरी हो। जो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे घर चाहिए, तो वो घर पूरा हो, उनके घरों के सपना पूरा हो। और हम महालैंड पहले से ही ऐसे सोचते आए हैं कि हम अपने कस्टमर को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से क्या दें। और हमने कोविड के बाद अपना प्रॉफिट वगैरह ये सब्जेक्ट हाथ में ना लेते हुए या ये सब्जेक्ट के ऊपर ना सोचते हुए हमने यही सोचा कि लोगों की पॉकेट साइज जो है 15-20-25 लाख, उसमें ही हम उनको सिटी में रहने का फील दें। आज अगर मैं 15-20-25-50 लाख का अगर ब्रैकेट सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर डालता हूँ और मैं बॉम्बे में घर ढूंढता हूँ, तो बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। मुझे इस रेट के लिए कम से कम 2-2-3-3 घंटे दूर जाना पड़ता है। फास्ट लोकल के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने नई मुंबई का जो एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहा है, थाना हीरानंदानी के बाजू में जहाँ पे प्रॉपर्टी है, या पनवेल एरिया में जहाँ पे प्लस में फाटा वगैरह है एयरपोर्ट के आजू बाजू में, ऐसे लोकेशन जिस लोकेशन पे पहुँचने के लिए आपको 2-3 घंटे की ज़रूरत नहीं, 10-15 मिनट में आप वाया ट्रेन, वाया लोकल, वाया खुद के व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप पहुँच सकते हैं। ऐसे लोकेशन पर हमने लोगों को 15-20-25-50 लाख में 2 BHK 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल करके दिए हैं। तो इस योजना के साथ, इस थॉट के साथ हम आफ्टर कोविड चल रहे हैं। एक हमेशा एक खरीदार के लिए, एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पैसे की। बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी रखते हैं लेकिन कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है, कम होते हैं पैसे। ऐसे दौर में कहीं ना कहीं उनको लोन की जरूरत पड़ती है या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। महालैंड प्रॉपर्टी क्या इस तरह से किसी निवेशक को या किसी ग्राहक को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिलाती है? किसी बैंक से लोन या किसी वित्तीय संस्था से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी दिलाने का काम करती है? किस तरह से आप ग्राहकों के या निवेशकों को मदद करते हैं इस मामले में? देखिए, जैसा मैंने अभी मेंशन किया था कि आफ्टर कोविड ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा अपने काम को लेके इमोशनल है। yes, और इन दिनों में थोड़ा सा सोशल वर्क करते हुए, वैसे तो सोशल वर्क पिछले 10 साल से करते आए हैं, लेकिन कोविड के दिनों के सोशल वर्क में थोड़ा सा हम इमोशनली इसके ऊपर सोचा है। हमने एक मिशन भी शुरू किया है, जिस मिशन के थ्रू हम बोलना चाहते हैं कि 5,000 घर वो भी 2 BHK के हमसे 15 लाख में दे। तो ये बहुत बड़ा पहल हमारा है और इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों का घर हो। 5,000 घर, फिर से आप बताइए। मिशन 5,000 होम्स, 2 BHK होम्स सिर्फ 15 लाख में, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए भी, आप सारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों का घर बने। जब आप लोगों का घर बने, इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं, तो फिर आपके घर बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आपके लिए कोई स्कीम चाहिए, आपके लिए कोई लोन फैसिलिटी चाहिए, आपके लिए कोई EMI चाहिए, आपके लिए कोई कस्टमाइज स्कीम करनी है, तो हम वो सारी चीज़ें हमने शुरू की है। अगर आप चाहते हो कि उस स्कीम में आप फिट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपके बजट के हिसाब से आपको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम फिट हों। फाइनली हमारा यही मिशन है कि हम आप लोगों को घर दे, आपके घर के लिए जो स्कीम आपके बटवे को, आपके जेब को सूट करेगी, उस हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे। तो पूरी दुनिया पे इस कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से अपनी जॉब गवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस शटडाउन कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है पिछले 6 महीने की, ये हर एक के ज़िंदगी से जुड़ी हुई, हर एक के ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली बात है। इससे बहुत बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे लोगों की जो इनकम है, इनकम सोर्सेज बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मुंबई में आज लेबर नहीं है, जैसे ही कोरोना वायरस का ये महाभयंकर समय शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ से जितने भी लेबर थे, कोई UP चला गया, कोई MP चला गया, कोई कर्नाटक चला गया, कोई तेलंगाना चला गया, अपने अपने गांव में चले गए। इसलिए यहाँ पे बॉम्बे में जिस तरह से लेबर के ऊपर डिपेंड पूरी इंडस्ट्री है, और पूरी तरह से लोग जाने के कारण बहुत बड़ा व्यवसाय के ऊपर, बहुत बड़े बिजनेस के ऊपर भी इसका असर हुआ है। और जितने भी लोग बॉम्बे छोड़ के अपने गाँव गए हैं, तो वहाँ पे उनके रोजगार के बाकी कोई साधन न उपलब्ध होने के कारण उनके भी जिंदगी के बहुत बड़ा फर्क हुआ है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो इन लेबरों के आधार पे ही सबसे चलती आई है,
और जैसे हम रियल इस्टेट में काम करने वाले बिल्डर्स हैं, रियल इस्टेट में काम करने वाले लैंड डेवलपर्स हैं, वैसे ही लेबर ये रियल इस्टेट का एक हिस्सा है। और यही कम होने के कारण रियल इस्टेट की इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी समस्या है, ये इन 6 महीनों के समय में पैदा हुई है। और यही सिचुएशन अगर ऐसे ही आने वाले समय में रहेगी तो ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं रहेगा। एक बात जो खुलकर सामने आई है ये कि अगर आप गौर करेंगे तो इकोनॉमी में जो रियल इस्टेट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये बहुत ही बड़ा मुकाम रखता है, क्योंकि मैक्सिमम लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है ये देने वाला सेक्टर है। अगर इकोनॉमिक लॉस के हिसाब से, ड्रॉबैक के हिसाब से पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पर? देखिए, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री पूरे भारत देश की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ही भारत के जो भारत का जो आर्थिक स्तर है उसको डेवलप करने वाली इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट अपने इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री इकोनॉमी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री टैक्सेशन की यही मानी जाती है। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर ये कोरोना वायरस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, इस कोरोना वायरस ने इस इंडस्ट्री पे इतना प्रभाव डाला है कि इसके कारण अपने देश के आर्थिक स्तर के ऊपर इस इंडस्ट्री के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। आप देखेंगे तो भी हाल ही में एक दिन पहले अनलॉक 4 की घोषणा हो गई है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगेंगी, लॉकडाउन को शिथिल किया जा रहा है, बड़े पैमाने में बहुत सारी परमिशन भी दे दी गई है कि स्मूथली जो कारोबार चले। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और आप क्या आप मानते हैं कि इसमें नए तरह की पहल करने की जरूरत है, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस का जो डेंजर सिचुएशन है वो आज भी है। कोरोना वायरस कारण आज भी लोग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, आज भी उतने ही संख्या में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, उतने ही परसेंटेज में बढ़ रही है। तो ये कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है, और इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, वैसे तो पूरे देश के ही, पूरे दुनिया में ही वैसे लोग हैं, लेकिन मैं अपने देश की अगर बात करूँ, अपने महाराष्ट्र की बात करूँ, अपने मुंबई की बात करूँ, तो इसमें रोजी कमाई के ऊपर चलने वाली बहुत बड़ी भीड़ है, जो पिछले 6 महीने से घर पे बैठी है, उनके हाथ में कोई काम है नहीं। तो अगर मेरे हाथ में कुछ काम है ही नहीं तो फिर मैं मेरा पेट कैसे चलाऊंगा, मेरे खर्चे कैसे चलाऊंगा? तो ये सिचुएशन को देखते हुए लोगों को कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डर है कि मैं कहीं भूख से ना मर जाऊँ। ये सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने अभी जिस तरह से लॉकडाउन अनलॉक 4 जारी किया है, तो यही उसके पीछे का रीज़न है कि कम से कम लोगों को उनके जो भी रोजी रोटी के सवाल है, उनके जो भी इनकम सोर्सेज के सवाल है, उनके जॉब के सवाल है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट होना चाहिए। और साथ साथ में जो ये कोरोना वायरस की ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए, कुछ गाइडलाइन जारी करते हुए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब्जेक्ट पहले से ही है, मास्क पहनने का सब्जेक्ट पहले से ही है, थोड़ा सा जो ग्रुप नाच करते हुए, जितनी जरूरतों के हिसाब से जितने लोग एक जगह पे आना चाहिए वो चीज़ें हैं, ये सारी गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने जो भी ये पहल की है, ये पहल लोगों के जो आज के क्वेश्चंस पैदा हुए हैं उनके खाने पीने के, उनके रोजी रोटी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 6 महीने का जो दौर है ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर तक लोगों को बांध के भी नहीं रख सकते, क्योंकि सिचुएशन उससे भी बेकार है। यस सर, आपको पोस्ट चैलेंज जो अभी, जैसे अब लॉकडाउन मान लीजिए कि खत्म होने की कगार पर है, भले संक्रमण रुके ना रुके, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब लॉकडाउन को किसी भी हाल में, आपने एक बार बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को लंबे समय तक बांध के आप नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है एक ना एक दिन लॉकडाउन को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे में आपको पोस्ट चैलेंज क्या दिख रहे हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी सामने, जिसको टैकल करने के लिए या कारोबार या कामकाज को नई ड्राइव देने के लिए जरूरत होगी? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये कोरोना वायरस के इन 4-6 महीनों में हमें एक बात समझ में आ गई कि हम भले कितना भी काम कर ले तब भी हमें अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम खुद को 3-4 महीने भी संभाल नहीं सकते। तो ये सिचुएशन है, पिछले
चार पाँच महीने के सब्जेक्ट में जो कोरोना ने दिखाया सिखाया वो यही है। तो आने वाला समय तो इससे भी बड़ा चैलेंज का रहेगा कि हम अपने आप को कैसे इसमें ढाल लेते हैं, अपने आप को इसमें कैसे सेटल करते हैं, अपने आप में कैसे हम ज़रूरतों की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, और हमें जो करना चाहिए एक सीरियस नोट पर जो काम करना चाहिए वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आने वाला समय तो अगर ये कोरोना वायरस अगर कंट्रोल में नहीं आता है, अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन कोविड से दूर रहने की गाइडलाइन अगर हम नहीं संभालते हैं, नहीं हम उसका पालन करते हैं, तो आने वाला समय तो इससे भी डेंजर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यस यस सर, जैसा कि फाइनेंशियल बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह के हालात होते हैं, जब सब कुछ ठप हो जाए तब वो बेहद मंदी का दौर होता है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इतनी हालत ख़राब है कि लोगों के पास काम काज नहीं, तो जाहिर सी बात है मंदी है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि मंदी के दौर में उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है जो किसी चीज़ में निवेश करना चाहते हैं। आप इस नज़रिए को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी सिचुएशन आई जहाँ पे कुछ भी हर्डल्स आते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। yes. कोई कोई इंडस्ट्री डाउन होती है तो कोई इंडस्ट्री 100% ऊपर उभरती है। जैसे कि मैं आज 35 रनिंग एज में हूँ, कोरोना वायरस के इन दिनों ने मुझे सिखा दिया कि 35 आपके लिए ये रिटायरमेंट एज है और आपको अभी से आपके फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि पहले 55-60 के बाद लोग सोचते थे कि यार चलो मैं पूरी ज़िंदगी कमाऊंगा, सेविंग करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा और मेरी फैमिली को एक छत देके मैं सेव कर दूंगा। लेकिन कोविड के ये 4-6 महीने ने हमें ये बता दिया कि आज के डेट में भले ही वो 20 ईयर का हो, 35 ईयर का हो, 50 ईयर का हो, 60 ईयर का हो या उससे प्लस हो, तो हर कोई अपने को खुद को रिटायर्ड समझने लगा है और हर कोई यही चाहता है कि कम से कम मैं मेरी फैमिली को सिक्योर कर दूं। कल जाके कोविड के कारण मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने है और लोग इस तरह से इस इंडस्ट्री की ओर बढ़ चुके हैं खुद के फैमिली को सेफ रखने के लिए। उनके उनके कमाई के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से घर देख रहे हैं, घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए खुल जाती है कि इस तरह से लोग अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और घर खरीद रहे हैं, जो कि ये सिचुएशन से लोगों को बाहर निकाल रहा है, लोगों की सेफ्टी देख रहे हैं। जैसे कि हर एक की जिंदगी से हम एक बात हमेशा कहते हैं कि खाना, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ें जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो वैसे ही ये मकान जो सब्जेक्ट है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही है और ये सब्जेक्ट और ये नीड और ये कोरोना ने जो चीज़ें दिखाई है इसके ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। एक बात हमेशा हिंदुस्तान में देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है दूसरे देशों के बनिस्पत। लोग परंपरागत तौर पर निवेश करते हैं, कुछ लोग सोना चांदी में, किसी को सलाह दी जाती है कि आप गोल्ड या आर्नामेंट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है फ़ायदे का सौदा होता है। आप लैंड बैंकर हैं बहुत बड़े, आप क्या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट को बेहतर मानते हैं? जी, और कितना बेहतर मानते हैं इसको? जी 100%। देखो, रियल इस्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हो या आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट शब्द जहाँ आता है वहाँ रिटर्न्स कितने हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि किसी बिल्डिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वैसे तो मैं बिल्डर अभी से ही हूँ लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा प्रेक्षकों को कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो उस बिल्डिंग की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन कितना बढ़ेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद वो वैसे भी बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी। जैसे पुरानी हुई वैसे उसकी रेट एक लेवल पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर रियल इस्टेट में लैंड का अगर हम सब्जेक्ट लेके चले तो लैंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप आपके बजट के हिसाब से अगर आज ले लोगे तो आने वाले समय में जिस तरह से उस लैंड के आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे उस एरिया की डिमांड बढ़ेगी, जैसे उस एरिया में लोगों का आना जाना, इंडस्ट्री का आना जाना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपकी वो लैंड की वैल्यू उतनी ही गुना बढ़ती जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर के लिए लैंड सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप पिछले 10 साल का नाइट फ्रैंक का अगर रिपोर्ट देखोगे जो आरबीआई के लिए रिपोर्ट निकालते हैं तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहता है कि अदर इन्वेस्टमेंट से लैंड इन्वेस्टमेंट ये 134% से भी ऊपर उसका आरओआई बेनिफिट है। और मुझे लगता है कि लैंड सबसे बेस्ट।
आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।